Honorable Speaker, sir. I thank you for this opportunity and agreeing to allow me to move this resolution. I would like to move a private member's resolution since this is a matter of urgent importance. I would request you to kindly grant me this permission for the same in exercise of powers available to you under Rule 293, read with other provisions of rules and procedures and conduct of business in the Legislative Assembly of the Capital, National Capital Territory of Delhi, 1997. सोमनाथ जी ने जो विषय रखा है अंडर रूल 293, वैसे तो मुझे अधिकार है रिलैक्सेशन देने का इसमें, लेकिन फिर भी मैं सदन के सामने रखता हूँ. इट इज फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस हाउस दैट द प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव बाय श्री सोमनाथ भारती बी ग्रांटेड परमिशन टू मूव दिस प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इन रिलैक्सेशन टू 12 डेज प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब बाई रूल 89 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1997. दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस मे से यस. दोज अगेंस्ट परमिशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन मे से नो. हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता. मैं सोमनाथ भारती जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपना रेजोल्यूशन रखें. Honorable Speaker, sir, I would like to express my heartfelt thanks to you, sir, 93. And to this august house for granting me the permission to move the following resolution. The Ministry of Home Affairs has issued a notification number S01368E, dated 21st of May 2015. Through which it has sought to add entry number 41 of the state list to the list of reserved subjects. आपने मूव किया ना इन्होंने? आपने रूलिंग 293 में दी है, रेजोल्यूशन तो 89 में मूव किया ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं. और क्या चीज़? आप अब्सेंट थे, समझ लीजिए. मैंने समझ लिया तभी. विजेंद्र जी, आप हर वक्त धोखा टाके करते हैं. सोमनाथ जी, मैं समझा देता हूँ. वो बाहर थे, आपको उन्होंने रेजोल्यूशन 293 में रखा. आज समझ लीजिए, पूरा रेजोल्यूशन तो 89 में प्राइवेट मेंबर थे. तो अब यही तो दिक्कत है, मैंने सदन के सामने रखा है 293 में, मुझे राइट है, आप पढ़ लीजिए. किसी भी सदस्य के, मैं उसकी अगली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहली बात कर रहा हूँ. मेंबर देखिए, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन बाय प्राइवेट मेंबर्स. व्यवस्था दी है कि मैं हालांकि इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ. रूल 89 में ये 12 दिन पहले आना चाहिए था, मैंने पूरा यहाँ पढ़कर सुनाया और उस पर फिर वोटिंग मांगी है कि सदस्य अगर सहमत है तो इसमें यस और नो कहें. एक सेकंड, पूरी बात समझ लीजिए. रूल 293 आप पढ़ लें एक बार. अंडर रूल 89 भी पढ़ लिया. हाँ, फिर दोनों पढ़ के बोल रहा हूँ. हाँ, अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उन्होंने रूल 89 में, उन्होंने 293 में मांगा, 89 में नहीं, नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं. रेजोल्यूशन तो 89 में मूव किया है ना, 293 में मूव किया है सर जी. आप समझ लीजिए बात को. कृपया करके ये माननीय हमारा अध्यक्ष, अगर आपने खा नहीं रखा ये करना. ये बात ठीक है कि ये प्राइवेट रेजोल्यूशन रूल 89 में आ सकता है. हाँ जी, ये बात समझ लीजिए. हाँ जी, लेकिन उन्होंने मुझसे, मैं बता रहा हूँ, ये तो आपने अपनी पावर यूज किया ना 293. हाँ जी, मैंने पूरी बात सुनी. उनका लिखित नोट है कि आपसे मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से कि रूल 293 के अंतर्गत मुझे इसकी परमिशन दे दी जाए.
अध्यक्ष जी मैं एक मिनट, अध्यक्ष जी आपका अधिकार है, उन्होंने 89 में रेजोल्यूशन मूव किया, हमने विरोध किया, आपने अपनी रूलिंग दे दी 293 में, ये इशू है जी। और आपने 293 बिना विरोध के ही पहले दे दिया। मैंने पहले नहीं दिया, मैं जब अंदर आया हूँ तो आपने वोटिंग हुई है हाउस के अंदर, थे नहीं वोटिंग के समय, थे नहीं हाउस के अंदर पूरी वोटिंग। मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूँ ना, आप अपनी रूलिंग दीजिए। मैंने रूलिंग दे दी आपके अब्सेंस, वो एक मैं वही कह रहा हूँ, 89 में उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया है, हम इस पर अपनी डिसेंट नोट करा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। टेबल पे इस तरह पिछली बार मंत्री जी लाए थे, इस बार सदस्य ला रहे हैं, आप सर्कुलेट करें रेजोल्यूशन को, ये हम लेजिस्लेचर हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पूरी प्रक्रिया होती है, और इस तरह टेबल पर चीजें ला लाते ये अनडेमोक्रेटिक। ऑनरेबल स्पीकर का डिस्क्रिशन है, चलिए चलिए हमारी इसमें डिसेंट नोट की है, ठीक है आगे बोलिए। ऑल द रिजर्व सब्जेक्ट्स दैट इज सब्जेक्ट्स व्हिच आर बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड in Article 239AA, subclause 3A, B and C, and do not give any powers to the central government to add any entries to the list of reserved subjects through notification. The Ministry of Home Affairs has attempted to add entry number 41 to the list of reserved subjects without seeking the approval of the Parliament of India. The Ministry of Home Affairs has passed this notification without any jurisdiction to do so. Therefore, it is an illegal and invalid exercise of powers on the part of the Ministry of Home Affairs, which in constitution is called Colorable Act. The said notification, without any doubt, is contrary to and is violative of the provisions of the Constitution of India. This House finds this act of Ministry of Home Affairs as an attempt on the part of the central government to encroach upon the legislative powers of this august House conferred by the Constitution in a completely unconstitutional and illegal manner by bypassing the Parliament and thereby even grabbing the powers of the Parliament itself. Therefore, this House declares this notification as unconstitutional and invalid. I would also like to bring to your kind notice of this August House that opinions received from the constitutional experts and legal luminaries like Sri Gopal Subramaniam, Sri K.K. Venugopal, Sri Rajiv Dhawan, Ms. Indra Jaisingh, Sri Biswajit Bhattacharya, Sri Vivek K. Tankha, all of them in complete unison, have very emphatically stated that the said notification is unconstitutional and illegal. In a democracy, the Parliament of India, through its Honourable Members of Parliament, is supreme, and the Honourable Members of Lok Sabha and Raj Sabha are the only authorised persons empowered under the Constitution of India to make changes in the Constitution under Article 368. Therefore, the central government has sought to encroach upon the powers of Parliament also through this notification. Recently, the Honorable High Court of Judicature at Delhi, in its recent order in the bail matter of Anil Kumar versus GNCT of Delhi, pronounced on 25th of May 2015, has given a landmark judgment on the relationship between the Honorable Lieutenant Governor and his Council of Ministers. The copy of the said judgment is being presented to this August House for information of Honorable Members of this Legislative Assembly. In particular, I would like to quote the following from the decision of the Honorable High Court. Para 65. Thus, it appears to me that Union Government
could not have issued the notification dated 23rd of July 2014, thereby seeking to restrict the executive authority of the GNCTD acting through its anti-corruption branch to act on the complaints under the Prevention of Corruption Act only in respect of officers and employees of GNCTD. By an executive fiat, the Union government could not have exercised the executive power in respect of a matter falling within the legislative competence of the Legislative Assembly of the NCT of Delhi, since the law made by the Parliament. Since the law made by the Parliament, namely the GNCTD Act, Red Bill, Article 239AA, put fetters on the executive authority of the President. Para 66 of the same judgment. After the judgment was reserved in the present application, the Ministry of Home Affairs has issued a notification bearing number SO1368E on 21st of May 2015, thereby further amending the notification dated 8th of November 1993, and inter alia providing that ACB police station shall not take any cognizance of the offences against officers, employees and functionaries of the central government. In my view, since the union lacks, I repeat, in my view, since the union lacks the executive authority to act in respect of matters dealt within the entries 1 and 2 of list 3 of the 7th schedule, the further executive fiat issued by the union government on 21st of May 2015 is also suspect. This House strongly condemns such attempt on the part of the central government and finds it an assault on the federal structure of our country as enshrined in the Constitution of India. Therefore, this House resolves to ignore this notification of Ministry of Home Affairs and directs the government of NCT of Delhi and its employees to ignore it and to function as if this notification never existed. Further, this House urges His Excellency the President of India to invoke his powers under Article 143 of the Constitution of India and to make a reference to the Honorable Supreme Court of India to clearly define the powers and responsibilities of the elected government of National Capital Territory of Delhi, the Honorable Lieutenant Governor of the Delhi, and central government with respect to legislative and executive functions of NCT of Delhi to prevent reoccurrence of any such incident in future. I would further urge this House to write to all Honorable Members of Parliament of Lok Sabha as well as Raj Sabha about the unconstitutional act of Ministry of Home Affairs, Government of India. That is my resolution which I am moving for this Honorable House to consider. Thank you. Speaker, sir, I would just say a couple of things. विजेंद्र जी, बहुत तकलीफ होती है आपको जब भी हम करप्ट और करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। चलिए सोमनाथ जी, पूरा हो गया? मैं कुछ कह सकता हूँ इसके बाद? या अभी और कुछ मेंबर बाकी रह रहे हैं जिनको बोलना है? क्योंकि स्पीकर सर, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट टुडे इज दिस रेजोल्यूशन। अगर इस पे बात पूरी चर्चा हो जाए, दो चार बात मैं रख दूं, उसके बाद फिर चूंकि कल भी चर्चा होनी है इस पे, कल चर्चा होगी तो मैं अपनी दो चार बात रख देता हूँ। रखिए, नहीं वो चर्चा के बाद ही। इसमें चूंकि समय बहुत कम है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, चूंकि दिल्ली की जो यात्रा रही है
बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा रही है दिल्ली की अब तक की। जब 1952 में दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वन ऑफ द पार्ट सी स्टेट्स अंडर द पार्ट सी स्टेट्स एक्ट मिला था, उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, उसके बिफोर इंडिपेंडेंस में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की यात्रा इसने तय करी। अनफॉर्चुनेटली अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल कलर में काम करना चाहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए घातक भी है और दिल्ली वासियों की जो अथाह आकांक्षाएं हैं इस सरकार से उसको पूरा करने में बहुत तकलीफ हमें होगी। 1952 के बाद 1956 में दिल्ली हैड सीज्ड टू बी अ पार्ट सी स्टेट, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी बना और फिर 1966 में जाके पार्लियामेंट ने पास किया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ने दिल्ली को एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया और एक डेलिबरेटिव बॉडी भी दिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया। इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, चूंकि ये बहुत सारी क्लैरिटी लेके आ जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दैट यूज्ड टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स सच एज लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड सर्विसेज। तो उस एक्ट के अनुसार सर्विसेज भी उस वक्त एक्सक्लूडेड था। जब 1991 में एक्ट पास हुआ जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबली आई, उसमें एक्सक्लूजन में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड रहा। तो जब ये एक प्रमोशन हो गया कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे साफ साफ कहा गया कि एक चुनी हुई सरकार अंडर आर्टिकल 352 और 356 ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय अ प्रोक्लेमेशन कैन नॉट डिनाई एन इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम फंक्शनिंग एंड डिसमिसल ऑफ एनी गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 352 एंड 356 were duly debated in that judgment. A similar analogous of that what we are witnessing today in our situation. यहाँ पे चुनी सरकार democratically means के द्वारा ये चुनी हुई सरकार किसी कारण से आई। हम यहाँ पे हम लोग में से सभी लोग, अधिकतर अधिकांश लोग अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी काम में, किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में लगे हुए थे। सब कुछ को त्याग करके हमने पॉलिटिक्स को अपनाया, हम कोई करियर बनाने यहां पे नहीं आए। ऐतिहासिक रूप में आपके अध्यक्षता में हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्तियां भी लगाने का फैसला किया। तो कोई इस गलती में ना रहे कि यह सरकार चुप बैठे, ये पुराने रीति रिवाज से चलते हुए लोग, इनको क्या पता कि जब ये ऐसे लोग जब विधानसभा में बैठेंगे तो क्या क्या करेंगे। इन्हों अभी भी लग रहा है कि जो पुराने तौर तरीके थे इनके काम को, उसको हम चलने देंगे। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, जिसको सुनना है सुन ले, जिसको समझना है समझ ले, ये सरकार किसी भी स्टेटस को मेंटेन नहीं करने वाली। जब जब हमें लगेगा कि जिन कारणों से हम चुन के आए हैं उन कारणों की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो हम सब कुछ चैलेंज कर सकते हैं और करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये इमरजेंसी लगी थी
उसमें एक शब्द था आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसको मिसयूज करके मैडम गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी, आधी रात को सिग्नेचर करवाया ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे। और 44th अमेंडमेंट जो फॉर्चुनेटली और इंटरेस्टिंगली उस वक्त की जनता सरकार, जनता पार्टी सरकार जो ऑनरेबल मुरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, उसमें स्पेसिफिकली रिप्लेस किया गया इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिवेलियन से, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस वॉज प्रोन टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड विशिएटेड इंटरप्रिटेशन। तो बहुत ही लंबी यात्रा रही है हमारे संविधान की और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ये कोई नोटिफिकेशन के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिनाई कर सकते हैं, ये इससे घृणित बात नहीं हो सकती। जो एक एक तरह से संविधान का अमेंडमेंट किया जा रहा है, और बिल्कुल आर्टिकल 239AA में लिखा है बकायदा कि ऑनरेबल पार्लियामेंट अगर चाहे तो भले ही एक मोशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हमारे राइट्स को छीन सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस डज नॉट इम्पावर एनी गवर्नमेंट टू टेक अवे अ राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, एंड दैट इज व्हाट इज इन डिस्कशन टुडे। आई एम सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड एंड शॉक्ड दैट मेंबर्स ऑफ भाजपा देयर ऑल, एक को तो आपने निकाल दिया, बाकी तो अपने आप चले गए। लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण में उनको यहां पे होना चाहिए था, चूंकि उन्होंने भी चुनावी वादा तो किया ही है, माना कि सारे वादे में यू टर्न उन्होंने मारा, इसमें भी मार रहे हैं कि भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हमारे साथियों ने कहा, लेकिन वो स्टेप टू है। हम तो स्टेप वन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार है उसको तो कम से कम मत छीनो। अगर तुम कुछ दे नहीं पा रहे हो तो कुछ छीन क्यों रहे हो? और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा, अब क्या रह जाता है, ये बार बार चिल्ला रहे थे स्पीकर महोदय टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पब्लिक फोरम में जाके चिल्ला रहे थे कि जाओ ना कोर्ट जाओ, हम कोर्ट जाएं। कहा था ना कि वो अरविंद जी ने कल सीपी वाले अपने भाषण में कहा था कि गॉड इज विद यू, यू हैव नॉट टू वरी हु इज अपोजिंग यू। ये गॉड सेंट था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन पिक कर लिया इस मैटर को, और वो जो उनके दोनों नोटिफिकेशन थे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती कि ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया ये सस्पेक्ट है। अभी अब तो मान जाओ, लेकिन अभी भी मानने वाले नहीं है। अब इनको ये पहले हमें कह रहे थे कोर्ट जाओ, अब परमात्मा ने करे कि तुम कोर्ट जाओ। तो ये जो सच का साथ, जो सबसे बड़ा साथ किसी का होता है, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं अपने मुख्यमंत्री महोदय का कि जिस तरह से उन्होंने ये यात्रा तय करवाई है हम सबकी, ये ऐतिहासिक है। और इसी घबराहट से, चूंकि पूरा का पूरा जो तंत्र है उसमें एक हिस्सा, ये पूरा चक्रव्यूह जो है उसमें एक हिस्से ने फैसला कर लिया मुझे अब ईमानदार रहना है, अब उस ईमानदार नीति से, उस ईमानदार एटीट्यूड से जो बाकी सारे क्रम जिनकी दुकान बंद हो रही है, जिनके पेट पे लात लग रही है, उन सब में बहुत बेचैनी है। तो मैं अपने साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो कुछ भी हमें सामना करना नहीं पड़ा है, पता नहीं क्या क्या आगे आने वाला है, तो हमें तैयार आना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर ये अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि जो संविधान में है, जो गवर्नमेंट डिफेंस सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट में है, और जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में है, इन सब के वायलेशन में
दो बातें करी गई और वही दो बोन ऑफ कंटेंशन है। एक तो ये कि तीन चीजें जो रिजर्व्ड कैटेगरीज में थी, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, उसमें चौथी जो इन्होंने अपने आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जोड़ा और जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑन इट्स ऑन बगैर हमारे अप्रोच किए, मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी और फाइंडिंग में साफ साफ कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन तीन विषयों के ऊपर भी जो रूल 49 है या जो 23(5) है, 5A, उन तीन विषयों के ऊपर भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर विल कंसल्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और ये होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में भी है, उनकी वेबसाइट पे है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बगैर कंसल्टेशन के दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट तक नहीं हो सकती दिल्ली के अंदर। तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि इन तीन विषयों पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को और बाकी विषयों पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब कुछ फैसला करेंगे और भेजेंगे ऑनरेबल एलजी को, तो ऑनरेबल एलजी अगर नहीं राजी होते हैं उससे तो सिर्फ उनके पास एक ही अधिकार है कि वो उस मैटर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ले जाए। इस मामले में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास मामला आखिरकार पहुंचा, लेकिन इसके पहले कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी फाइंडिंग देते या मैटर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट पहुंचता, आनन फानन में बहुत गहरा विषय है कि किसको बचाने का प्रयास चल रहा था, आनन फानन में एक नोटिफिकेशन जारी हो गया 21 मई को कि सर्विसेज भी आपसे ली जाती है और यह भी कहा गया कि एसीबी के दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं आएंगे। इससे भद्दी और इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि करप्ट को और करप्शन को बचाने की कवायद चल रही है दिल्ली। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने भाजपा के साथियों को भी और केंद्र सरकार को भी कि यह सरकार किसी और मिट्टी की बनी है, यह भाजपा और कांग्रेस नहीं। इसने जो फैसला कर लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला कर लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो फैसला कर लिया, वो बदलने वाला नहीं। तो ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। मैं आपके माध्यम से फिर एक पॉइंट जो विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कह रहे थे, उनको तो बोलने की आदत हो गई है कि नोटिफिकेशन नहीं है। तो भैया मैं पढ़ के बताना चाहता हूं, उसमें जो लिखा था उसमें तो लिखा नोटिफिकेशन। वो कह रहे कि नहीं तो ये क्लैरिफिकेशन है, तो कह देते अपनी सरकार को, इसमें लिखा है सूचना, ये तो नोटिफिकेशन लिखा है। तो इस तरह की बातें सदन में करना ना तो उचित है उनके लिए, ना दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद है। पांडिचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ऐसे कई बार मतभेद उजागर होके आए। एक पत्र के माध्यम से ये बात कही कि ऑनरेबल एलजी के पास ऑफिसर्स विदाउट कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर राइट नहीं है, अपॉइंट करना राइट नहीं। तो ये तो कोई जो हम फेस कर रहे हैं, हमारा मकसद भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को बहुत बारे वो कह रहे थे लोकपाल नहीं किया। एक तो एसीबी से घबरा रहे हो, एंटी करप्शन ब्रांच की ताकतें कम करना चाहते हो। इस दिन लोकपाल आ गया, पता नहीं क्या करोगे। लोकपाल आ गया तो पता नहीं किस कौन कौन अंदर जाएगा, भाई थोड़े दिन बाहर रह लो, खुली हवा में जीना चाह रहे हो, हम दे रहे हैं जीने के लिए। जो भ्रष्ट है भ्रष्टाचारी है क्यों इतने जल्दी दिखा रहे हैं, लोकपाल भी आ जाएगा। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेजोल्यूशन हाउस के सामने रख के इसमें विस्तार से चर्चा की जाए और जो मैंने उसमें प्रेयर्स डाले हैं
उस पे गहन से चर्चा करके आप इसको फॉरवर्ड करने का कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।